Hey guys, welcome or welcome back to my channel Pooja's Adda. Hope you all are doing well. आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मर्मेड स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग. वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. यहाँ पे इस साड़ी ड्रेप के लिए मैंने लिया है हाफ एंड हाफ साड़ी, जो कि नेवी ब्लू एंड मरून कॉम्बिनेशन की साड़ी है. साड़ी का जो पल्लू है वो मरून, सॉरी जो बॉडी का एरिया है वो मरून कलर का है नेट का, एंड जो पल्ला है वो सिल्क पे है विथ हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड लेस वर्क. तो यहाँ पे जो सबसे पहले, और यहाँ पे ना मैंने दुपट्टा ले लिया बिकॉज इसका जो ब्लाउज है लाइक वो डीप नेक ब्लाउज था, तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी इसलिए. तो स्टार्ट करते हैं ड्रेपिंग. सबसे पहले जो कोई भी आप साड़ी ड्रेप करें, जो पहला स्टेप होता है कि आपने यहाँ पे आपको अपने वेस्ट के अराउंड एक राउंड आपको साड़ी को नीटली टक इन कर लेना है. और जो इसमें, क्योंकि ये नेट की साड़ी है तो मैंने इसमें जो पेटीकोट पहना है वो रॉ सिल्क मटेरियल का पेटीकोट पहना हुआ है, ताकि वो ना थोड़ा शाइनी दिखे, साड़ी डल ना दिखे. और आप जो भी अपने साड़ी के हिसाब से पेटीकोट पहन रहे हैं आप उसको उसी हिसाब से टाई कर लें जितने में आप कंफर्टेबल हैं और आप साड़ी को संभाल सकते हैं. और एक चीज, आप जब भी हैवी साड़ी पहने ध्यान रखें जो साड़ी का वर्क जहां से स्टार्ट होता है, जो प्रॉपर वर्क जो स्टार्ट होता है वो आपके लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग के साइड से ही स्टार्ट हो, ताकि जो पीछे ना अगर वो गैप आ जाता है तो वो बहुत ही भद्दा सा दिखता है. तो इसीलिए आप वो चीज ध्यान में रख के अपनी साड़ी को ड्रेप करें. तो अभी जो बेसिक टक इन मैंने अपने वेस्ट के अराउंड कर लिया है और अपने पल्लू को मैंने पीछे से लेके और मैंने प्लीट्स बना ली हैं और उसे थोड़ा सा झटकार के मैंने प्लीट्स को सेट कर लिया है. तो जो सिल्क साड़ी जो होती है ना, उसमें सिल्क एज इन सॉफ्ट सिल्क जो साड़ी होती है, और उसमें अगर हैवी बॉर्डर है तो वो थोड़ा सा ना लटकता है, तो उसकी जो प्लेट्स हैं उसे सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इसीलिए आप टाइम लेके अच्छी तरीके से अपनी प्लीट्स को सेट कर लें. और यहां पे मैं इसे सीधा पल्ला, जो मर्मेड स्टाइल साड़ी होती है वो सीधा पल्ला ही हम पहनते हैं, जिस तरीके से हम सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं, तो उसे मैं अच्छी तरीके से प्लीट्स को सेट करके अपने शोल्डर पे लगा लूंगी. और जो इसका पल्ले का साइज रहेगा, लेंथ, वो मेरे नी से थोड़ा नीचे में रहेगा. हैवी साड़ीज होती, अभी जैसे वेडिंग सीजन चल रहा हैवी साड़ीज जो होती है ना, हम हर वेडिंग ओकेशंस के लिए नई साड़ी नहीं खरीदते हैं, साड़ी हमारी वही रहती है और बस उसे ड्रेप करने का स्टाइल अगर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं तो साड़ी का लुक भी चेंज हो जाता है. तो उल्टा पल्ला साड़ी या सीधा पल्ला साड़ी तो हम ऑलमोस्ट पहनते ही हैं. ये वाला जो ड्रेप है मर्मेड स्टाइल साड़ी, ये भी ड्रेप होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. इसमें ना आपका फिगर बहुत अच्छा लगता है, प्लस जो साड़ी का लुक है वो भी बहुत सुंदर दिखता है. तो बस ये प्लीट सेट होने के बाद इसे मैंने अब अपने शोल्डर पे इस तरीके से लगा लिया है. आप देख सकते हैं पल्लू का लेंथ आपके घुटने के नीचे तक आना चाहिए. और उसके बाद इसे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं पिनअप करके सिक्योर कर लूंगी. होप मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. और अब जो पल्ला है उसे सिक्योर करने के बाद मैं इसे साइड में कर लूंगी और अब बाकी की जो साड़ी है उसकी प्लीट्स बनाएंगे. तो उसके लिए पहले आपको इसे अपने स्टमक के बीच तक मेजर करना है और उतने एरिया को छोड़ के बाकी की जो बची साड़ियां हैं उससे आपको प्लीट्स बनानी है. ऐसा करने से अगर आप थोड़ा सा जो एरिया है ना अपने राइट साइड का थोड़ा अगर छोड़ के आप प्लीट्स बनाएंगे तो जो आपकी लास्ट वाली प्लीट है वो बहुत नीटली आएगी और एकदम स्ट्रेट लाइन पे आएगी. अगर आप वो नहीं छोड़ते हैं तो जो लास्ट वाली प्लीट है वो आपकी चढ़ी हुई दिखेगी. एंड देन प्लीट्स बनने के बाद आप इसे भी थोड़ा सा झटकार लें एंड ताकि आपकी जो प्लीट्स है वो सेट हो जाए. और इसे आपको अपने पेटीकोट के बेस में आपको टक इन कर लेना है. टक करते समय भी आप बहुत नीटली इसे फैलाते हुए अच्छी तरीके से टक करें, ताकि आपका जो सामने फ्रंट का एरिया है ना वो ऐसा उठा हुआ ना दिखे. तो उसे आप अच्छी तरीके से, आपको जितना लेंथ चाहिए. और हाँ, जब भी आप साड़ी पहने, आप अगर हील पहनने वाले हैं तो पहले आप अपना फुटवेयर वेयर करें एंड उसके हिसाब से आप साड़ी पहने. तो बस आपको जितना लेंथ चाहिए उस लेंथ के हिसाब से आप अपना लेंथ छोड़ के बाकी को आप नीटली टक इन कर लें एंड जो आपकी प्लीट्स है उसे भी आप नीचे तक अच्छी तरीके से सेट कर ले. और साइड में आपका जो बचा हुआ कपड़ा है वो आपको साइड में टकिंग नहीं करना है, उसे वेस्ट पे आप नीटली करते हुए बचे हुए जो आपका साड़ी का एरिया है उसे आप बैक साइड पे टकिंग करें, जिससे जब आप चलेंगे भी तो वो आपके पैर पे फंसेगा नहीं और बैक साइड का जो है वो आपके वैसे भी साड़ी के पल्लू से कवर हो जाएगा. अब जो साड़ी का पल्लू है इसको आपको फ्रंट से, आपको बैक साइड से घुमाते हुए आपका जो पल्ला का कर्व आया है सामने की तरफ
उसके अंदर की साइड से लेते हुए आपको इसको राइट साइड से आपका जो वेस्ट का एरिया है वहां पे लाना है जहां तक आपका आ रहा है, और अच्छी तरीके से उसे भी आपको एक पिन से सिक्योर कर देना है। अगर आप बहुत ज्यादा साड़ी वेयर नहीं करती हैं, आप इजीली कैरी नहीं कर पाती हैं, या आपकी साड़ी बहुत हैवी है, तो जहां पे आपने फ्रंट का अपना साड़ी का प्लेट्स बनाया है वहां पे भी आप उसे पिन से सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आपका जो साड़ी है ना वो इधर उधर खसके ना। बस ये वेस्ट पे आप सिक्योर करने के बाद जो मेरा पल्ला का फ्रंट का जो एरिया आया है उसमें भी जो मैंने प्लीट्स बनाए थे उसे भी अच्छी तरीके से मैं सेट कर लूंगी, और उसके बाद उसे भी मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अच्छी तरीके से नीटली पिनअप कर दूंगी, ताकि पल्ला भी मेरा खसके ना। सो ये बहुत इजी, बहुत सिंपल सा साड़ी ड्रेप था, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो प्लीज इसे ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, इंस्टा आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। सो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो साड़ी ड्रेप है आपको कैसा लगा, इजी है या नहीं है, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं। सो या ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि साड़ी का लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। सो ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।